हेलो गाइस, आज का हमारा सेशन वही आगे से स्टार्ट होता है बिन्ना से। देखिए जहाँ तक हो गया था उससे आगे देखते हैं हम लोग। विविध प्रश्न देखिए आप, टाइप नंबर 5 विविध प्रश्न। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। मतलब वो पूछ रहा है कि 4/7 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे कि 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो अगर 1 सही 1/14 में से हम 4/7 घटा दें तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करें, सुबह देखते हैं। चलो इसको खिसका लेते हैं थोड़ा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 1 सही 1/14, 1 सही 1/14 -4/7 है। इसको पहले भिन्न के रूप में लिख लेंगे, 14 कम 14 15, तो ये कितना आ जाएगा, 15/14 -4/7। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 14 मतलब 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 माइनस, ये 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 2 और 2 दूनी 2 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 8, बराबर में कितना आ जाएगा, 7/14। अब 7 से 14 कटता है 2 बार, इसलिए टोटल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। अगर इस संख्या में 4/7 में हम 1/2 जोड़ दें तो हमें 1 सही 1/14 प्राप्त होगा। तो वही पूछ रहा है कि 4/7 में हमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो हम आ गया हमारा आंसर 1/2, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबाई का छठा भाग और 15वां भाग मिलकर 70 मीटर है, वह लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो मान लिया हमने कि लंबाई टोटल कितनी है, एक्स। ठीक, हमने टोटल लंबाई मान ली एक्स। तो अब कह रहा है किसी लंबाई का छठा भाग मतलब x/6, और क्या कह रहा है, और 15वां भाग मिलकर, 15वां भाग कितना हो जाएगा, 15वां भाग हो जाएगा x/15। तो कह रहा है कि अगर दोनों का छठा भाग और 15वां भाग मिलकर कितना होता है, 70 मीटर। ये कह रहा है कितना, 70 मीटर। ठीक, तो अब हमें x का मान निकालना है क्योंकि हमने फुल लंबाई मानी है x। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 5 30 5x प्लस 15 2 30 2x बराबर 70। ठीक, अब इससे आगे देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x। तो यहाँ लिख लेंगे ऊपर से, देखते हैं यहाँ करके, अरे यहाँ करके देखते हैं, 7x/30 बराबर 70। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा, 7x/70×30 ये हो जाएगा ना, 7 से 70 काट देंगे 11 बार, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 11×30 मतलब 330, ये हमारा आंसर हो जाएगा 330। ठीक है, 330 इकाई आएगी इसकी मीटर में। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों को योग का व्युत्क्रम बताइए।
किसी भिन्न का व्युत्क्रम होता है, अंश को हर की जगह में लिख देते हैं, हर को अंश की जगह में लिख देते हैं, ठीक है। किसी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह। तो अब इसमें दिया हुआ है 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 7/3 का कितना हो जाएगा, 3/7। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 21। तो ये क्या हो जाएगा, 7×5=35 प्लस 3×9=2 कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 44/21, यही आएगा ना, 44/21। अब वो क्या कह रहा है, इसका टोटल आ गया, योग आ गया हमारा, तो कह रहा है योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब इसका व्युत्क्रम चाहिए हमें, इसका तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह लिख देंगे, इसका हो जाएगा 21/44, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, जो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है a+b, चलो इसको थोड़ा खिसका लेते हैं, कह रहा है कि a+b, चौथा क्वेश्चन, a+b/c = b+c/a = c+a/b = k, तो k का मान ज्ञात कीजिए ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग एक एक को सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करते हैं। चलो इसको, अगर इसको a+b/c, मतलब a+b/c = k लिखते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, a+b/c के हो जाएगा ना, ऐसे इसका हो जाएगा क्या, दूसरे का, इस वाले का क्या हो जाएगा, b+c = a यहाँ आ जाएगा k की साइड, a के, तीसरे क्या हो जाएगा, c+a = b के, ये हो जाएंगे, ठीक। तो इसके आगे हम देखते हैं, तो k का मान निकालना है हमें, तो एक साइड के हम लोग ये जोड़ देते हैं, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल तीनों को जोड़ेंगे, तीनों समीकरण को, तो कितना हो जाएगा, a+b, जे वाला लिख लेंगे, फिर ये +b+c, फिर ये वाला c+a, बराबर में क्या होगा, जे c+ak+ye+b k, ठीक जी। आगे तब इसमें देखो, हर चीज़ दो दो बार है, a ये है, b दो बार है, ठीक, c भी दो बार है, तो ये इसका टोटल कितना आ जाएगा, ये इसका यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ करके ये आ जाएगा 2a+2b+2c, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, और इस साइड का क्या हो जाएगा, इस साइड का हो जाएगा, इसमें k कॉमन है, तो k को कॉमन यहाँ लिख लेंगे, प्लस के यहाँ हो जाएगा a+b+c, ये हो जाएगा। तो अब इसको आगे देखते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a+b+c, ये हो जाएगा ना, तो और तो इसमें देखिए, इसमें k कॉमन लिया, a+b+c है, इसमें 2 कॉमन लिया, a+b+c है, ये दोनों बराबर में हैं आमने सामने, तो a+b+c से a+b+c कट जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी, ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, टू बराबर के बचेगा, बचेगा ना, टू बराबर के, ये टू बराबर ये बच जाएगा, ये के बच जाएगा, मतलब के इज इक्वल टू टू आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका के का मान आ जाएगा टू, क्योंकि वहाँ आ रहा था के ए प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा था बराबर में क्या था, टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कट गया तो के बराबर टू आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये संख्या दी है ये और ये, तो इसमें कह रहा है इसमें इतने से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा। हमें एक एक को सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ठीक, इसका क्या आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 30, यहाँ 15, यहाँ 12 और यहाँ 10, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 40, 50, 60, 67, 67/60, यही हो रहा ना, ना 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 गलती कर दी हम लोगों ने, कि ये माइनस था, ये माइनस था, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 60 नहीं आएगा, तो इसमें देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये क्या माइनस 15 प्लस 12, 12 माइनस 10 ये है, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 60, 20, 5, 12, 5, 17, 17/60 ये आ जाएगा, ठीक। जब ये हो जाएगा इसका कितना, इसका आ रही है 17/60, तो हम चलो अब आगे वाले को देखते हैं, आगे वाला ये है हमारा, उसका आया था हमारा कितना 17/60, ठीक। अब इसका देखते हैं इसका कितना आ रहा, 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5/3 माइनस 7/18, ये ना संख्या, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 90 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। तो इसमें यहाँ कितना आ जाएगा, 36, 18 से 18 5 90 36, 10 माइनस 50 प्लस 54 माइनस 5 से 35, 35 जी आ जाएगा, तो इसका टोटल कितना होगा, ये जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 90, माइनस इसको इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 85, बटे में कितना 90, अब ऊपर कितना बचा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो बचा कितना 5/90 बराबर, 5 से 90 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/18, ठीक, 1/18 इसका आ गया कितना, 1/18 इसका, ठीक है, इसका 1/18 आ गया। तो अब देखते हैं दोनों को, वो 17/60 था ये 1/18, कह रहा है कि 17/60 आया था हम लोगों का भाग कितना,
1/18 यही है ना। चलो अब देखते हैं, तो अब 17/60 ये हो जाएगा, भाग को गुणा में बदल देंगे तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 1/6। चलो अब 6 से देखो काटते हैं, 6 से 36 18, 6 से 10 बार, अब तो कट नहीं रहा, कितना आ जाएगा, 17 51, 51/10, 51/10। अब इसको सही बटा में लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 51/10 का 10 पना 50, 5 बार जा रहा, 5, 1 बच रहा, 1 ऊपर 10 नीचे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब आगे का देखते हैं। देखो भिन्नों यहीं तक समाप्त होती हैं, इतना ही है भिन्नों में, और कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी सब वही होंगे, इबारती प्रश्न होंगे उनके, उसमें भाषाएं दी होंगी, बस उसमें आपको काटना पीटना जोड़ना घटाना भाग देना बस यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो हमारा कल के लिए टॉपिक आगे का वो रहेगा सरलीकरण वाला, सरलीकरण के लिए आपको कुछ दो सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सूत्र हम आपको बता दे रहे हैं, तो वो आप याद कर लीजिए। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन रहेगा, उसके लिए सूत्र चलो देख लीजिए। सूत्र ये हैं, ये आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि कल का जो टॉपिक रहेगा सरलीकरण, उसमें ये सब काम आएंगे आपको। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।